कुल्लू जिला मुख्यालय बीडीसी कार्यालय के सभागार में विधायक सदर कुल्लू सिंह ठाकुर ने 50 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पंचायतों में विधायक निधि से चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, कोरोना काल में अगर कुछ पैसा हमारा रुका है उसको छोड़ा जाए, उसके साथ में क्योंकि हमने कुछ एम्बुलेंसेस भी, अब तीसरी एम्बुलेंस में अभी मणिकरण देने जा रहा हूँ, उसके साथ में करोड़ों के हिसाब से ये पैसा जो है विधायक निधि का पंचायतों को गया है। और इसमें सबसे बढ़िया जो रहा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पे सबसे ज़्यादा जो है यूटिलाइजेशन पैसे का हुआ है, और बहुत ही कम, मेरे ख्याल 10% पैसा ही अनयूटिलाइज पंचायत में पड़ा है। और मैं इसमें भी तेज़ी लाने की कोशिश करूंगा। अभी हमें लगभग 45 लाख की और किस्त आई है इस साल की, उसको भी यूटिलाइज करेंगे हम। तो मैं समझता हूं कि जिन पंचायतों ने अच्छा काम किया है उन्हें और पैसा दिया जा रहा है। और अब ख़ास तौर पे ये बैठक करना इस करके ज़रूरी था कि अभी हमारी 17 तारीख को जो है स्टेट प्लानिंग की मीटिंग है, और उस मीटिंग में जो ये प्रधानों की समस्या है कि इनको एग्रो के माध्यम से सरिया खरीदना पड़ रहा है जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है, सीमेंट एग्रो के माध्यम से, पाइप एग्रो के माध्यम से लगभग 1.5 गुना दामों पे ये सारे का सारा जो इनको जो मटेरियल मुहैया हो रहा है, ये भी समस्या मेरे समक्ष आई है। और मैं समझता हूँ क्योंकि कोरोना के बाद ये अभी इनकी ग्राम सभाएं होनी शुरू हुई है, अब फिर से कोरोना की जो है रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, इससे पहले ये बैठक होना ज़रूरी था। आज 50% हमने ऑक्यूपेंसी के साथ अंदर ये बैठक की है इस हॉल में। 25 पंचायतें सुबह की थी हमने लंच से पहले, 25 पंचायतें शाम को की है, लेकिन बड़ी अच्छी मीटिंग रही है जिसमें कि ये पंचायतों में पेंडिंग काम है। और मेरी प्राथमिकता ये है कि बड़े बड़े सामुदायिक भवन बने, महिला मंडलों को, युवा मंडलों को आगे लाया जाए, जिम, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जिम दिया जाए, महिलाओं को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाए। और उसके साथ में मैं समझता हूँ कि खासतौर पर रेन शेल्टर्स हमारे को जगह जगह बनाने की ज़रूरत है, और जो भी लोकल एक आर्किटेक्चर है उसको भी जहाँ पे ये हम यूज़ कर सकते हैं लोकल मटेरियल उसको यूज़ होना चाहिए। और कुछ पैसा आने में प्लानिंग से लेकर ब्लॉक के माध्यम से पंचायतों तक पैसा पहुँच रहा है तो उसको 6-6 महीने लग रहे हैं। मैं डीसी महोदय से भी बात करूँगा और कल हम इंटरनल मीटिंग या ब्लॉक के साथ भी 2-4 दिनों में करूँगा, जिसमें कि इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है, प्लानिंग का अकाउंटिंग सिस्टम है, पंचायत के पास पैसे पहुँचने में देरी हो रही है, इन सारे जो है कार्यों में तेजी लाई जाएगी ताकि ये जल्दी से जल्दी कार्य निष्पादन होना चाहिए। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।